Hello and welcome to Lavneesh sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, assessment worksheet number 3, and it is only for class 8 students. It has been taken from the subject social science. So what will you do? Hame karna kya hai? Tumhe kya karna hai? Dekhiye, darken the circle in front of the correct option of the following questions with the help ऑफ पेन और पेंसिल. यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी करेक्ट ऑप्शंस को आपको पेन या पेंसिल से डार्कन करना है. सो जल्दी से देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जगन्नाथ कल्ट इज वाइडली फॉलोड, यानी जगन्नाथ जो पंथ है वो उसको ज्यादातर कौन से राज्य में फॉलो किया जाता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा? वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा और राजस्थान. राइट आंसर इज ओडिशा. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द लार्जेस्ट स्पीकिंग ट्राइबल लैंग्वेज, यानी आदिवासियों की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज, क्या वो मणिपुरी है, संथाली, गारो या फिर ओरायन? तो राइट आंसर इज संथाली. द प्रोसेस बाय विच द माइनॉरिटीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू सोशल मार्जिनलाइजेशन इज टर्म्ड एज, यानी जब माइनॉरिटीज को एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? घेटोइजेशन, माइग्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज घेटोइजेशन. क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी किसमें थी याद करो वर्कशीट में, आर्टिकल 10, 28, 17 या फिर 20? राइट आंसर इज आर्टिकल 17. आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर राइट टू इक्वालिटी. याद करो ये इक्वालिटी पर जोर देता है, तो राइट आंसर इज राइट टू इक्वालिटी. फिर क्वेश्चन नंबर 6, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर. याद करो ये भी है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हमने याद किया था 1998, 85, 1989 या 1987? राइट आंसर इज 1989. सी के जानू इज अ प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट. कौन से एक्टिविस्ट लिखा हुआ है, स्टूडेंट, आदिवासी, चाइल्ड राइट या फिर ह्यूमन राइट? वो है प्रोमिनेंट आदिवासी एक्टिविस्ट, यानी कार्यकर्ता. फिर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द होम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. इन द क्वेश्चन 9 एंड 10 गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन. रीड द स्टेटमेंट एंड डार्कन द सर्कल इन द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. देखो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अगर अभी समझ जाओगे तो 9th और 10th में आपको ईजी होगा. यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है उसका रीजन अगर सही है तो ए ऑप्शन, अगर स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका रीजन सही नहीं है तो बी ऑप्शन. अगर स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो रीजन है वो आपकी बुक में कहीं नहीं दे रखा तो सी, और अगर स्टेटमेंट ही गलत है यानी कहीं आपकी बुक के लेसन में नहीं दे रखी और रीजन दे रखा है तो डी. तो पढ़ते हैं एक बार. असर्शन है ट्राइबल ग्रुप्स आर डिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड, यानी ट्राइबल लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है. रीजन, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर टेकन इन द फॉरेस्ट एरियाज, क्योंकि जंगल में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होने लग गई इसलिए. बिल्कुल सही है ये, इसका जो स्टेटमेंट का रीजन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इज ए. फिर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, यानी हर सिटीजन, भारत का हर सिटीजन अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनता है तो कोर्ट में जा सकता है. रीजन इसका है फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स की हमें गारंटी दे रखी है. ये भी ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छठा फंडामेंटल राइट है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का है जिसमें हम कोर्ट्स जा सकते हैं, अगर कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेटेड हो रहा हो. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.